आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, लेट अस रिवाइज। जो आपने क्लास सेकंड में जो कुछ भी सीखा है उसका आज हम रिवीजन करेंगे कि आपको कितना आता है। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स आपके यहाँ पर थ्री डिजिट्स के हैं, जिसमें आपके हंड्रेड, टेंस एंड वंस आते हैं। जैसे यहाँ पर 1 to 9 को हम बोलते हैं वंस, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट होती है। 10 to 99 को हम बोलते हैं टेंस, बिकॉज इसमें टू डिजिट्स होती हैं। एंड 100 to 999 इसे हम बोलते हैं हंड्रेड्स, बिकॉज इसमें थ्री डिजिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है 3 to 5, तो 3 to 5 को हम नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे, 325। अब जैसे यहाँ पर है 592, इसको न्यूमरल्स में हम कैसे लिखेंगे, तो इस लिखेंगे 592। ऐसे करके आपको न्यूमरल्स और वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द नंबर नेम्स, आपको इनके नंबर नेम्स लिखने हैं। जैसे ए है 245, तो इसका होगा 245। बी है 856, इसका होगा 856। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर करने हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको राइट द न्यूमरल्स, यानी कि न्यूमरल्स लिखने हैं फिगर में। जैसे ए है 111, तो 111 को आपको नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 111। बी है आपका 384, इसे हम लिखेंगे 384। ऐसे ही आपको सी डी ई एफ जी एच आई एफ सारे लिखने हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको नेक्स्ट 5 नंबर्स लिखने हैं। जैसे ए है 501 502, इधर आएगा 503 504 505 506 507, ऐसे आपको सारे लिखने हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पर आपको बीच की डिजिट दी जाएगी, उससे पहले का और उसके बाद की आपको लिखनी है। जैसे ए है 828, इसमें आप पहले आती है 827 और उसके बाद क्या आता है 829। ऐसे ही ये सारे आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन, बीच में जो डिजिट आती है वो लिखनी है। जैसे ए 218-220, तो 218 के बाद और 220 से पहले कौन सी डिजिट आती है, 219। ऐसे ही आपको सारे करने हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको जैसे ए है 324, इसको आपको 100 में कौन सी डिजिट आएगी, टेंस में वंस में, वो लिखनी है। जैसे ए है 100 में आपके 3, टेंस में 2 एंड वंस में आएगी आपकी 4। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द नंबर्स दैट इज, यहाँ पर आपके वर्ड्स में लिखे हैं, नंबर्स में लिखना है। जैसे ए है 506 10 and 11, तो इधर आएगा 561। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म वो होती है जैसे आपकी डिजिट में 3 आते हैं, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, तो आपको वही लिखने हैं कि 100 में कौन सा आएगा, वंस में कौन सा आएगा, टेंस में। जैसे 596 है, तो 5 आपका 500, 9 आपका आएगा 90 और 6 आपका आएगा 6, क्योंकि 100 में 3 डिजिट होती हैं, तो यहाँ आ गया 500। टेंस में 2 होती हैं तो 90 और वंस में 1 होती है, तो ये आ गया आपका 6। अब है क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। जैसे ए है 905, तो 9 आपका 100 में आएगा, 900, 0 का 0 ही आएगा और फिर आएगा आपका 5। ऐसे आपके बी सी डी ई एफ ऐसे ही आपको अपनी बुक में करने हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, चेंज 10 tens, आपको 10 tens को इंटू 100 में चेंज करना है। जैसे कि आपका ए है 212 tens, तो 200s है, 12 ten में से आपको 10 tens जो है, 12 में से 10 हटा देंगे आप और वो tens बना के 100 बन जाएगा और वो 100 आपको 200 में ऐड कर देने हैं,
तो आपका क्या आएगा, 300s, 2 1s, क्योंकि हमारे पास 12 में से जब हमने 10 10s ले लिए तो हमारे पास कितने बचे, 2। तो इसी तरह से आपको बी सी डी ई एफ ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज 10 1s इन टू 1 10। अब यहाँ पर आपको 10 1s को 1 10 में चेंज करना है। ए है आपका 4 10s 13 1s, 13 में से 10 1s लेकर आपको 10s में जोड़ देने हैं। 10 1s से बनता है आपका 1 10, वो आपने जोड़ दिए, वो हो गया ऐड आपके 4 10s में, तो आपके 10s कितने हो गए, 5 10s, और आपके पास 1s कितना बचा, 3। ऐसे ही आपको बी सी डी ई एफ ये आप लोगों को अपनी बुक के अंदर करने हैं। अब हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड लेस देन के बारे में, कंपैरिजन ऑफ डिजिट। ग्रेटर देन क्या होता है, इसका मींस होता है बिग डिजिट, बड़ी डिजिट, और इसका साइन होता है ऐसा। लेस देन होता है हमारा स्मॉल डिजिट, और इसका साइन आपको पिक्चर में शो हो रहा है कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यही सिंबल्स यूज करने हैं। जैसे ए है 475-253, तो यहाँ पर आपको डिजिट देखनी है कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पर आपका सिंबल आएगा ग्रेटर देन का, 475 ग्रेटर देन 253। ऐसे आपका बी है 542-601, तो यहाँ पर साइन आपका आएगा लेस देन, क्योंकि 542 लेस देन 601, 542 600 से छोटा है, तो यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। ऐसे ही आपको डिजिट देखनी है कि यहाँ पर किस तरह के कौन से साइन आएंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12, टेक द राइट द नंबर्स विच आर ऑड एंड क्रॉस आउट क्रॉस द इवन नंबर्स। जो नंबर्स आपके ऑड होंगे उन पर राइट का, और जो नंबर आपके इवन होते हैं उन पर क्रॉस का साइन आएगा। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो पेयर्स में नहीं होते, जो 2 से डिवाइड भी नहीं हो सकते, लेकिन इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और पेयर में आते हैं। ऑड नंबर में आपके आते हैं 1 3 5, और आपके इवन नंबर में आते हैं 2 4 6। जैसे ए है 210, तो ये है आपका इवन नंबर, इसलिए इसमें आएगा क्रॉस। बी है आपका 13, ये आपका ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर आएगा राइट का टिक। अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 से रिलेटेड है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि 1 2 3 4 5 से यानी कि छोटे से बड़े तक, डिसेंडिंग ऑर्डर 6 5 4 3 2 1 यानी कि बड़े से छोटे की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में ना अरेंज करना है। ए है, इसमें आपको असेंडिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, उसी तरह से आपको इसे सेट करना है। जैसे फर्स्ट का है आएगा 123 124 132 412 508 853। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्वेश्चन नंबर 14 में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सेट करना है। जैसे ए है आपका, इसका आंसर है 983, बड़ा है, फिर उससे छोटी डिजिट 726, फिर उससे छोटी 672, 435, 276, 176। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पूरे करने हैं अपनी बुक के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट इन द बॉक्स। जो आपकी डिजिट कलर्ड हो रही हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू आपकी वो चीज़ होती है जिसमें जो डिजिट जिस जगह पर है उस जगह को बताना। जैसे ए है आपका 549, तो 4 आपकी कहाँ पर है, 10s की जगह पर, तो इधर आएगा टी। बी है 608, 0 आपकी भी 10s की जगह, इधर आएगा टी। अब हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में। फर्स्ट है आपका एडिशन, जैसे यहाँ पर आपकी डिजिट दे रखी है 492 को आपको प्लस करना है 304 में, तो 2 और 4 आपके कितने होते हैं 6, 9 को 0 में करोगे 9, और 4 और 3 कितने होते हैं 7। अब है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में 9
83 को में से आपको कटाने हैं 5, 3, 1। अब 3 में से 1 गए, आपके आएंगे 2। 8 में से 3 गए तो आपके आएंगे 5। एंड 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। ताकि आपने वीडियो के अंदर देखा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 16 एड द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन नंबर 17 सब्स्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ये अपनी बुक के अंदर सॉल्व करने हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चंस टॉपिक्स आर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फर्स्ट है आपका मल्टीप्लाई, जैसे कि 9 का हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 4 की टेबल में 9 टाइम्स लिया आ गया 36। फिर हम करेंगे 4 का 25 से, 4 5 ज़ा 20, 0 यहाँ 2 ऊपर। फिर 4 का 2 से किया, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग देना। जैसे आपका फर्स्ट है, डिजिट यहाँ पर दे रखी है, 7 का हमने किया 28 से, तो 7 का अगर 2 से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 बड़ा है 2 छोटा है, तो हमने 7 का 28 से किया। 7 4 ज़ा 28, 28 में से 28 माइनस किया तो कितना हुआ 0। अभी आपने वीडियो देखी थी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की, तो मल्टीप्लाई में आपको दोनों तरह के मल्टीप्लाई समझाए गए थे, वन डिजिट के एंड टू डिजिट के। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डिवाइड करने हैं, डिवाइड भी आपको समझाए गए थे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 अपनी बुक के अंदर पूरी तरह से सॉल्व करने हैं। योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज़ 20। रीड द क्लॉक, आपको एक क्लॉक पढ़नी है, एंड राइट द टाइम करेक्टली इन द बॉक्स। जो टाइम सही है वो आपको अपने बॉक्स में लिखना है। जैसे ए में है आपके 2 o'clock, बी में है 3 o'clock, सी 4 o'clock एंड डी 8 o'clock।